हेलो क्लास थर्ड, वेलकम बैक अगेन ऑनलाइन क्लास ऑफ नवीन पल्लव। प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर 10 पूरा फुल्ली एक्सप्लेन हो गया था और आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। और आपने इसके शब्द मैत्री अपनी नोटबुक में भी कर लिए होंगे। अब देखते हैं क्या सीखा, क्या जाना। उत्तर लिखिए, दरबारी बीरबल के बारे में क्या सोचते थे। आप लिखेंगे, दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते थे। सेकेंड, ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए क्या किया। ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ मुश्किल प्रश्न सोचे। थर्ड है, बीरबल ने ख्वाजा के पहले प्रश्न का क्या उत्तर दिया। बच्चों बताइए, तो लिखेंगे आप, बीरबल ने जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया कि यही संसार का केंद्र है। फोर्थ है आपका, संसार की आबादी कितनी है। इस प्रश्न का उत्तर बीरबल ने क्या दिया। बच्चों बीरबल ने कहा, संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है। अंडरस्टूड। मिलान कीजिए, आप जो है अपना लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 डालेंगे एज इट इज, और फिर बाद में उनके आगे करेक्ट ऑप्शन में नंबरिंग रहेंगे 3 5 2 4 1, ठीक है। सही या गलत का निशान लगाइए। पहला है, कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। सही। ख्वाजा साहब तुमसे 4 प्रश्न पूछना चाहते हैं। गलत। आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, ये सही है। बच्चों बादशाह बीरबल के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, ये गलत है। ओके, नाउ मान जोड़कर नया शब्द बनाइए, बहुत इजी है। अभी लगा के बनाइए, अभिमान, सम्मान, अनुमान और अपमान। अंडरस्टूड। खै पार्ट पे आइए, लिंग बदलिए, जैसे राजा का रानी है, आदमी का ऐसे ही औरत, लड़का का लड़की, छात्र का छात्रा, अध्यापक का अध्यापिका। शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। तो जैसे ये लिखा हुआ है बुद्धि, तो बुद्धि, विद या विद्या हो जाएगा आपका, सच अच्छा सच्चा, और एच अच्छा अच्छा। ओके, यहाँ पे दुग्ध है दुग्ध, मुगैद मुग्ध, किस सा किस्सा, हिस सा हिस्सा। ओके, मौखिक उत्तर दीजिए। मैं देखो, तेनालीराम किसके दरबार में थे। राजा कृष्णदेव राय। ओके, आकाश में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा कौन सा है, सूर्य। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, चीन। सबसे अच्छा ऊन किस भेड़ का होता है, मैरिनो। ओके, अगला है, रचनात्मक गतिविधियां में कुछ अलग करें, चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। पहला है महल, यह सिंहासन, फिर है रथ। खेल खेल में, ये बच्चों आपका होमवर्क है, आपको इस पिक्चर में प्यारा सा अच्छा सा कलर ड्रॉ करना है। सो बच्चों, हमारा चैप्टर 10 फुल्ली एक्सप्लेन और पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसकी क्वेश्चन आंसर एज इट इज जैसे मैंने बताए हैं, आप लोग वैसे ही स्वच्छ अपने हैंड राइटिंग में कंप्लीट करेंगे। ओके, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।